आज हम बड़वानी ज़िले के अंजर तहसील के लोहारा गांव में आए हुए हैं। यहां पर किसान का नाम जो है कमल सिंह जी दरबार, जिन्होंने हमारी नाथ सीड का रुस्तम जो तरबूज की वैरायटी आती है वो लगाई हुई थी, तो हम खुद किसान से जानते हैं कि उनका अनुभव किस प्रकार का रहा रुस्तम के प्रति। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, अपना नाम बताइए भैया। रविंद्र सिंह सोलंकी। अच्छा अच्छा, तो कमल जी आपके पिताजी हैं। हाँ। अच्छा, आप भी खेती करते हैं। हाँ सर। अच्छा, तो आपने जो ये तरबूज लगाया था। हाँ। कौन सा लगाया था? ये रुस्तम लगाया था। और उसके कंपेरिजन में आपने बगल से कौन सी वैरायटी लगाई थी? क्या नाम अपना? सागर किंग। सागर किंग। अच्छा, तो सागर किंग में और रुस्तम में आपको क्या अच्छा लगा? रुस्तम अच्छा लगा भैया। इसमें क्या क्या चीज आपको अच्छी लगी? इसमें भैया इसका वेट भी, मतलब बेटा भी अच्छा है, 4 से 5 kg में बेटा है। अच्छा। बड़ा माल भी था, बड़ा माल जो हमने बेच दिया है। हाँ, वो कितने केजी का था? ग्राहक के लिए, खाने के लिए। अच्छा, गाँव से बेच दिया आपने। अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से दिया था। तो हाँ, घर से आपने बेचा कितने रुपए का? क्या फ्रूट के हिसाब से बेचा? 5 रुपए 6 रुपए 5 रुपए 6 रुपए। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो समथिंग कितने रुपए किलो तक जा सकता था? 10-12 के समथिंग जा सकता था। अच्छा, और ट्रीटमेंट आपने दोनों वेराइटियाँ जो आप बता रहे हैं, रुस्तम और सागर किंग, दोनों में एक साथ चलाया था? तो सागर किंग में इसकी अपेक्षा माल ज्यादा निकला या कम निकला? ज्यादा निकला है। रुस्तम में ज्यादा निकला या सागर किंग में ज्यादा निकला? नहीं, रुस्तम में अच्छा निकला। अच्छा, इसमें जो साइज है ये कैप्सूल साइज है जो है, तो ये आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा है। अच्छा, ये अच्छा, और खाने में कैसा लगा? टेस्ट बढ़िया था, खाने में अच्छा लगा, खाने में बढ़िया था। और जो इसका जो है क्वालिटी, ये ऐसा आपको लगा कि इसको अपन लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं? अरे, आपको घर में स्टोर किए हुए कितने दिन हो गए अभी इसको? करीब 8 से 10 रोज हो गए। अच्छा, अभी इसमें कोई खराब होने वाली कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। और आप हमारे दर्शकों को एक चीज और बताएं। हाँ। इसमें जो अन्य प्लॉटों में समस्या आती है, अन्य वेराइटियों में, जैसे प्लाट बैठ जाता है तो पौधे बैठ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या बिल्ट जैसी समस्या आती है, तो इस वेराइटी में आपको ऐसा लगा कि पौधे बैठ रहे थे या समस्या आ रही थी? आपके यहाँ नहीं आई कोई समस्या? अच्छा अच्छा, और मैं ये जानना चाहूँगा, और आप पिछली वर्ष जो आने वाली आगामी सत्र है उसमें आप अब कौन सी वैरायटी का चयन करेंगे? रुस्तम लगाएंगे। अच्छा, रुस्तम लगाओगे। हाँ। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे ये, नमस्कार भैया, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, तो आप रुस्तम लगाएंगे, तो अभी आपने कितने एकड़ में लगाया था? 2 एकड़ 2 एकड़ लगाया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भैया, नमस्कार सर। और आप ये लॉकडाउन की वजह से जो दिक्कत आई, बाकी ठीक है, परमात्मा करे सब अच्छा हो। ठीक है, धन्यवाद।